आज हम बना रहे हैं एग पिज्जा। तो भाई बताएंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। जो बता क्या क्या लिया है तूने। हमने एक पिज्जे के लिए 2 प्याज और ये शिमला मिर्च और टमाटो और कुछ चीज़, और हमने लिए हैं 6 अंडे। 6 अंडे का पिज्जा बनाएंगे। और ये येलो और रेड बेल पेपर है, जिनको हम शिमला मिर्च भी बोल देते हैं, लाल और पीली। एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, चीज़ लिया है और 6 अंडे। तो अभी इसको क्या करना है? और इसको अब हम अंडे को मिक्स कर लेंगे, और अपने स्वाद अनुसार हम इसमें नमक मिर्च जो भी कुछ डालना है वो डाल सकते हैं। ओके, अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ एक पैन में 1 चम्मच बटर डाला है और ये भाई यहाँ पे मिक्स कर रहा है अभी। तो इसको हम जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारा बैटर बनेगा और उतना ही अच्छा हमारा केक पिज़्ज़ा बनेगा। और ये यहाँ पे अच्छे से गर्म हो रहा है। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। ऐसे स्प्रेड करनी है हमें वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स कोई भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, बीन्स भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हो। काली प्याज भी डाल सकते हो, प्याज टमाटर से भी अच्छा बन जाएगा। ये सारा ऐसे स्प्रेड करना है इसमें अच्छे से। और इसको कुछ सेकंड तक हमें थोड़ा इसको सोते सोते करना है। फिर उसके बाद हम लोग एग और चीज़ डालेंगे इसमें। और गैस को रखना है हमें मीडियम फ्लेम पे और इसको धीरे धीरे पकाना है थोड़ा सा। और थोड़ी देर बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। और अभी आप देखो सब्जी का रंग थोड़ा चेंज हो गया है, सब्जियां थोड़ी पक गई हैं। और इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है, अगर लो फ्लेम पे भी रखेंगे तो चलेगा। अभी हम इसको डालेंगे। फिर अभी इसको जो एग का जो बैटर था उसको सारा डाल देना है इसमें। अब इसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं चीज। ऐसे आपको अच्छे से स्प्रेड करना है। सारा कवर कर देना है ऐसे। अभी अच्छे से सारी चीज स्प्रेड कर दिया। आप मोजरेला चीज भी डाल सकते हो। फिर इस पे रेड चिली फ्लेक्स डालना है। चिली फ्लेक्स हम लोग डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे। और फिर इसको हम लो फ्लेम पे करके ढक देंगे ढक्कन से। और ये देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी साइड में से फ्लफी भी हो गई है, आप देखो। अभी थोड़ी सी और पकेगी, 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं इसको। बट ध्यान रखो इसको लो फ्लेम पे करना, अदरवाइज नीचे से सब्जियां और एग सारा जल जाएगा। और अभी थोड़ी देर हम इसको खुले में ही पकाएंगे। आप देखो कितने अच्छे से पक रही है। अभी आप देखो ये साइड में से पक गया है। और 5 मिनट तक इसको धीमी आंच पे खुले में पकाया है, कोई प्लेट प्लेट नहीं रखी। और अभी ये पक चुका है, अभी इसको निकालते हैं प्लेट में। ये आ गया है प्लेट में। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और आप प्लीज ये मत सोचना कि ये नीचे से जल चुका है। मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाती हूँ। अगर आप देखो तो ये नीचे से भी बिल्कुल नहीं जला है। और ऊपर से भी एकदम अच्छा है। अभी हम इसको कर रहे हैं कट। ये है इसका फाइनल लुक। प्लीज आप लोग अपने घर में बना के खाइए और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और आप देखिए इसकी साइड फिलिंग, और ये बहुत अच्छा बना है। और ये रहा इसका फाइनल लुक, देखिए। सो फ्रेंड्स, रेसिपी बनके हो गई है तैयार। और आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा है, और ये देखो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्या है? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता चल जाता है मम्मा यहाँ पे है? हाँ, आपकी आवाज़ से, मेरी आवाज़ से, वह लक्की चाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय मम्मा चैनल, डोंट टू गेट लाइक द बेल बटन।
बेटर। सो प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैं आपके साथ और नई नई रेसिपी लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और ये सब बना के आप खाते रहिए। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बंदर।